मेरा एम है तुम्हें शार्क बनाना है, मेरा एम है कि यहाँ से तुम्हें निकाल के यहाँ लाना है। आज तुम्हारे सामने एक प्रोडक्शन करके दिखाता हूँ वीडियो की। जितने भी ये पेड प्लेटफॉर्म वाले ना भाई, शोभित निर्वाण इज नॉट फॉर सेल। हाय, हाँ भाई कैसे हो सब? बहुत दिनों से यार एक वन टू वन टॉक नहीं हुई थी, सोच रहा हूँ आज एक वन टू वन टॉक कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें दिमाग में है तो आज तुम्हारे साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो पास आ जाओ। हाँ भाई कैसी चल रही तैयारी? भटक तो नहीं रहा है ना? क्योंकि मेरी जान तेरे को भटकाने वाले इस समय बहुत आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐसी बोलूंगा तेरे को बुरी लग सकती हैं, ठीक है? बहुत लोगों की यहाँ पे पोल खुल सकती है, बट बोलना पड़ेगा नहीं तो तेरा नुकसान है। आज नहीं बोला मैं तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस बात को ध्यान से समझियो। दसवीं में होगा या बारहवीं में होगा इस समय तू, है ना? दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा वाली क्लास होती है। इस क्लास में दो ऐसे समय आता है जब तुम बहुत ज्यादा डरे होते हो। इस डर का बहुत लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। कौन कौन सा समय होता है? एक तुम्हारा बोर्ड का समय जो आ रहा है, अब बोर्ड की वजह से डर लग रहा है ना। जब रिजल्ट का समय आता है, एक ये समय है। जब रिजल्ट आ रहा होता है तब बच्चे डरे होते हैं, तो इस डर का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। 10 दिन में 95% ले लो, 30 दिन में 95% ले लो, 5 घंटे में 95% ले लो, 1 घंटे में 95% ले लो, ये कोर्स खरीद लो 95% ले लो, 2000 रुपए दे दो 95% ले लो, प्रोटीन की गोली है 95%, है ना? ऐसी बट रहे हैं, दिमाग लगा मेरी जान। गलती इन लोगों की भी नहीं है, गलती अपनी है। इन लोगों ने तुझे कुएं का मेंढक बना रखा है और मेरा एम है तेरे को फिश बनाना है, मेरा एम है तेरे को शार्क बनाना है। कुएं के मेंढक में क्या होता है ना कि एक बार कुएं में मेंढक बैठा होता है, मछली आती है कहती है कि मेंढक यहां क्या बैठा है, तेरे को समुद्र लेके चलती हूं, बहुत ज्यादा पानी है वहां देखियो। तो मेंढक कहता है, मेंढक तो बचपन से खाली कुएं में रहा है, तो मेंढक कहता है कि कितना पानी होगा? तो क्या करता है ये कुआ है, एक जगह से दूसरी जगह कूदता है, कहता है मछली से क्या इतना पानी है? मछली कहती है इतना नहीं है, एक बार चल। तो मेंढक तो क्या करता है, कुएं के आधे तक कूदता है, कहता है इतना पानी है? तो मछली कहती है इतना नहीं है, एक बार मेरे साथ चल। तो मेंढक कहता है अच्छा। तो एक कुएं से दूसरे सिरे तक कूद जाता है, कहता है क्या इतना पानी है? कहती है इतना नहीं है मेंढक, एक बार मेरे साथ चल। मेंढक उसके साथ जाता है, वो समुद्र को देखा उसकी आंखें फट जाती हैं। तो इन लोगों की गलती यही है, इन लोगों ने तेरे को क्या बना रखा है, तेरे को मेंढक बना रखा है। ये तू मेंढक है, इन लोगों ने तेरे को बस ये चीज दिखा रखी है, मेंढक का जो सिरा होता है ना यहाँ पे तेरे सामने 95-95 दे रखा है। क्या तेरा 95% ही गोल है? क्या जिंदगी में बस यही गोल है कि दसवीं में और बारहवीं में 95% ले आएंगे, इससे आगे समुद्र नहीं देखना है क्या? इन लोगों ने तेरे को बस इतने में सीमित कर रखा है, इन लोगों ने तेरे को बस इतना ही दायरा दिखा रखा है कि ये 95%, ये 95%, आगे का समुद्र कौन दिखाएगा, इसके आगे के लाइफ एक्सपीरियंसेस कौन दिखाएगा, वो कोई चीज दिखाते नहीं है। तो ये जो कुएं का मेंढक, मेरा एम है तुम्हें शार्क बनाना है, मेरा एम है कि यहां से तुम्हें निकाल के यहां लाना है। खाली इतना नहीं रखना यार, अभी मैंने कल परसों एक शॉर्ट्स बनाए थे, है ना, तुमने देखे होंगे यूट्यूब पे, एक मैंने एलेक्सा वाला डाला था। सबसे पहले तो उसे क्लियर कर दूं, वो सिर्फ मजाक के लिए था, वो कुछ रियल नहीं है, वो कस्टमाइजेशन आंसर होते हैं उसमें डाल देते हैं, तो उसमें सिर्फ फन के लिए था। मैंने सोचा यार शॉर्ट्स आए हैं एक बार ट्राई करते हैं, बात वो नहीं है। बात यह है कि उसमें एक कमेंट आया, उसमें एक कमेंट आया कि भैया आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि विच इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर क्लास 10th? क्या आपका चैनल सिर्फ दसवीं तक ही सीमित रह जाएगा क्या? इससे आगे नहीं बढ़ना क्या? मेरे को दिमाग में चुभ गई ये बात। मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल सही कह रहा है बंदा, ये खाली मेरे पे नहीं है, तेरे पे भी अप्लाई होता है। तेरे को खाली दसवीं तक ही सीमित रहना है क्या? तेरे को खाली बारहवीं तक ही सीमित रहना है क्या? इससे आगे अपने को दिमाग नहीं लगाना है क्या? अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप भी तो 95% वाली स्ट्रेटेजी बनाते हो। हाँ मैंने बनाई है, मैंने SST की वीडियो बनाई थी कि 7 दिन में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद करी थी, मैंने जो चीज खुद करी है, मैंने जो चीज प्रैक्टिकली करी है वो चीज मैंने उसमें बताई है। यहां क्या है ना यार, इंटरनेट एक गंदी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, यूट्यूब एक बहुत अच्छी चीज है, बट ये एक खुला मैदान है, कोई भी आके कुछ भी बना सकता है, वो कुछ भी बना देते हैं और तुम उस चीज को देख के बहक जाते हो। वही बात हो गई, बारहवीं पास हुए हैं और भाई साहब जेई का ज्ञान दे रहे हैं, बैकग्राउंड तो देखो उस बंदे का, क्या उसने प्रैक्टिकल चीज बताई है? आज तुम्हारे सामने एक प्रोडक्शन करके दिखाता हूँ वीडियो की, ठीक है? ये लोग जो 30 दिन की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, 7 दिन की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, 10 दिन की स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तुम्हारे सामने आ जा मेरे साथ बनाते हैं एक वीडियो, मैं इनका तुम्हें सब पोल खोल के दिखाता हूँ। बोर्ड लेंगे एक वाइट, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया SST का सिलेबस, यहां मैंने लिख दिया साइंस का सिलेबस, यहां लिख दिया मैंने मैथ्स का सिलेबस। अब मैं आया वीडियो में कि बेटा देखो तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, अब इन 10 दिनों में क्या करना है तुम्हें, तुम्हें दो चैप्टर यहां से उठाने हैं, दो चैप्टर यहां से उठाने हैं, दो चैप्टर यहां से उठाने हैं, फिर दो चैप्टर अगले दिन यहां से उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ऐसे करते करते तुम्हारा 10 दिन में सिलेबस हो जाएगा और तुम्हारे 95 आ जाएंगे। बच्चे को नहीं पता है क्या इतना? बच्चा फुद्दू है, बच्चा पागल है, उसको नहीं पता कि 10 दिन में ऐसे ऐसे कर सकते हैं? इतना तो सब बच्चे को पता है कि ऐसे बांट सकते हैं, प्रैक्टिकल क्या बताया तुमने? तुम्हें पता है तुम्हें फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है? इन लोगों को पता है फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है? इन लोगों को पता है एक्टिव रिकॉल क्या होता है? इनको पता है स्पेस रिपीटिशन क्या होता है? इनको पता है रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल क्या होता है? नहीं पता, क्योंकि इन्होंने ये चीज देखी नहीं है। वो तो सिर्फ यहीं तक रह गए थे ना, यही बस कुएं तक सीमित रह गए थे, इन्होंने आगे की दुनिया नहीं देखी, इन्होंने ये नहीं देखा है कि दसवीं बारहवीं के आगे भी एक दुनिया होती है, वो तुम्हें दिखाना चाहता हूं मेरी जान। खाली इतने में सीमित नहीं रहना है, हमें प्रैक्टिकल चीज लानी है। तुम्हारे बोर्ड आने वाले हैं, इस समय ये स्ट्रेटेजीज नहीं लाऊंगा कि लिख दिया बड़ा बड़ा थंबनेल में कि 95% ले लो, इससे क्या होगा? तुम्हें दिखेगा, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम देखोगे अच्छा भाई 10 दिन में दिख रहे हैं, चलो यार क्लिक कर देता हूं, क्लिक करोगे उस बंदे का वॉच टाइम मिल गया, उस बंदे को व्यूज मिल गए, उस बंदे को मोनेटाइजेशन मिल गया, उस बंदे का चैनल ग्रो हो गया,
फायदा तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तेरे 95% आ रहे या नहीं आ रहे, मेरे को फर्क पड़ता है। प्रैक्टिकल चीज लानी है, प्रैक्टिकल ऐसी चीज कि हाँ भाई इस चीज को देख के सच में अपने कुछ परसेंटेज बढ़ सकती है, ठीक है। ये चीज अप्लाई करने पे हम प्रैक्टिकली बोर्ड पे बैठेंगे और ये चीज करेंगे तो प्रैक्टिकली हमारे नंबर बढ़ेंगे, वो चीजें लानी है, दिमाग खोलना है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें लानी है भाई साहब, अभी तुम्हारे बोर्ड जाने वाले हैं, इसके बाद कुछ ऐसी चीज प्लान कर रहा हूं जिसको देख के लोगों की आंखें फट जाएं कि भाई साहब ये सारी चीज क्या है। कोई कोर्स नहीं है, कोई भी पेड कोर्स या कुछ लॉन्च नहीं कर रहा हूं। और हाँ, लगे हाथ एक और बात बोल दूं यहां पे मैं, जितने भी ये पेड प्लेटफॉर्म वाले ना भाई, शोभित निर्वाण इज नॉट फॉर सेल, मुझे कॉल करना बंद कर दो, मेरे को कॉल करके ऑफर मत दो कि सर इतने में बिक जाओ, इतने में बिक जाओ, ब्लॉक कर दूंगा नंबर, मुझे कॉल मत करा करो। इन लोगों के फोन आते हैं, बता दो तो मैं इनकी भी कॉल खोलता हूँ, इन लोगों के फोन आते हैं कि सर हमारे यहाँ ना आप ऐसा करो, पेड मत रखो, हमारे यहाँ तुम फ्री क्लासेस भी ले लो। मैंने कहा तुम मैं फ्री ले लूंगा तो तुम्हारा क्या फायदा है, तुम्हारा तो पैसे ही नहीं बनेगा। कह रहे हमें पैसों से मतलब नहीं है, हमें बच्चे दे दो बस, ठीक है, आपके पास इतनी सारी जनता है, आप ऐसा करो वो दे दो हमें, उनके लॉग इन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनको फोन करके हम परेशान कर देंगे, वो कोर्स ले लेंगे, आपको कोर्स नहीं बेचना, आपको फ्री में देना है। कितनी गंदी मेंटेलिटी है, सोच रहे हो। इनके एक बहुत बड़े बंदे का फोन आया, ठीक है, इनके कंपनी के बहुत बड़े बंदे का फोन आया, मेरे से बोलता है, सबसे पहली लाइन इसकी ये होती है फोन करते ही कि वाह भाई बहुत बड़ी जनता खींच रखी है। बिजनेसमैन माइंड है ना उस बंदे का, तो वो सोचेगा हम भी बिजनेसमैन ही बैठे हैं, वो सोचेगा हम भी यही कर रहे हैं, जनता इकट्ठे कर रहे हैं। तुम जनता हो क्या, तू जनता है क्या? एक एक बच्चे की फिक्र होती है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब खोल रखी है कंपनी की, भाई देखा जाएगा 10 बंदे भी अगर ऐसे ही छूट गए तो कुछ नहीं, नहीं, एक एक बच्चे का पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये बंदा सच में कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। ये एम है, तुम 7 करोड़ क्या, तुम 100 करोड़ दे दो आज भी नहीं बिकूंगा, लिख के लेता हूं इस बात को, जिंदगी भर ये चैनल फ्री रहेगा और फ्री था और फ्री रहेगा। एम ही ये था यार, खोलने से पहले ये एम था कि फ्री एजुकेशन रखेंगे। अभी इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, अभी इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि बहुत ज्यादा बच्चों तक फ्री पहुंचा पाऊं, बट जितना हो पाता है उतना फ्री करता हूं, धीरे धीरे पैसे आएंगे वापस लगा दूंगा, सब चीज लगा दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। चलते हैं यार, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है यार। एक बात समझ लो कि जब भी, एक कहावत है कि जब भी कोई ऋषि मुनि बैठा होता है ना, जब तपस्या होती थी उस समय ऋषि मुनि की, तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए ना राक्षस बहुत सारी चीजें फेंकते थे, है ना भाई, उन्होंने अपोजिट जेंडर को भेज दिया जिससे वो भाग जाए और वो अपनी तपस्या को भंग कर दे, बट वो बंदा तपस्या में लगे रहता था और जब भी वो जीतता था। तुम्हारी ये तपस्या की चल रही है, तेरी ये तपस्या वाली स्टेज चल रही है, तेरे को इस तपस्या में निकलना है, बहुत डिस्ट्रैक्शन आएंगी बट हाँ तेरे को बच के उस गोल को निकलना है, और तेरे को ये भी देखना है कि इससे आगे बढ़ना है, खाली तरह में सीमित नहीं रहना। किसी भी यूट्यूबर को या किसी को भी मैं यहाँ पे हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ हमें दिमाग लगाना है। चलते हैं यार, गोल इतना बड़ा रखेंगे कि लोगों की आंखें फट जाएं, ठीक है। कहते हैं ना कि एक डायलॉग है कि भाई ये लोगों ने, जितने भी बड़े लोग हैं ना, इन्होंने हमें गड्ढे बना दिए रस्ते में, बट एक गलती कर दी कि इन्होंने हमें छलांग मारना सिखा दिया, तो समय आने पर सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे ऊंची छलांग हम ही लोग मारेंगे। चलते हैं, बाय, पढ़ लो, चलो पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना और आग लगा देनी है, बाय, पढ़ लो।